अब दूसरी साइड पर नजर डालें, डेमोक्रेसी में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि डिसीजंस कुछ नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के अनुसार होंगे। अगर कोई सिटीजन ये जानना चाहे कि डिसीजन लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो इसका पता कर सकता है। उसे ये न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके सोर्सेस भी अवेलेबल है। इसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कहते हैं। ये चीज अक्सर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती। इसलिए जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स पर बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करना सही है कि डेमोक्रेसी में ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस होगी जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति अकाउंटेबल होगी। हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति अकाउंटेबल बनाने वाली मैकेनिज्म भी डेवलप करेगी। अगर आप इन मेजर्स के आधार पर डेमोक्रेसी को तोलना चाहते हैं, तो आपको इन इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा। रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेजर पॉलिसीज और नए कानूनों पर ओपन पब्लिक डिबेट, और सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन, इन पैमानों पर डेमोक्रेसीज की रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा मिला जुला है। रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस कराने और सिचुएशन बनाने के मामले में डेमोक्रेसी ज्यादा सफल हुई है, पर ऐसे इलेक्शंस कराने में जिसमें सबको फेयर चांस मिले, या हम डिसीजन मेकिंग में पब्लिक डिबेट्स कराने के मामले में, इनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। सिटीजन्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर उनकी कंपैरिजन में जब हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स से करते हैं, तो इन एरियाज में भी उनका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो बेहतर ही होता है। यहाँ पर एक और पिक्चर दिया गया है, लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आउटकम डेमोक्रेसी ही है। इस मेंटल जिम्नास्टिक के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना। इन सब्सटेंटिव टर्म्स पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये उम्मीद करना ठीक ही है कि वो लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर करप्शन से फ्री हो। इन दो मामलों में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड इफेक्टिव नहीं है। डेमोक्रेसीज अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से की मांगों को नजरअंदाज करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही, एविडेंस देते हैं कि डेमोक्रेसीज इस बुराई से बिल्कुल मुक्त नहीं है, मतलब करप्शन होते हैं। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम करप्ट है या लोगों की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव है, ये कहना कुछ ज्यादा सही नहीं होगा। बहरहाल, एक मामले में डेमोक्रेसीज श्योरली दूसरी गवर्नमेंट से बेहतर है। सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ये सुस्त हो सकती है, कम एफिशिएंट हो सकती है, इसमें करप्शन हो सकता है, ये लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन डेमोक्रेसीज लोगों की अपनी है। इसी कारण पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के विचार के प्रति जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। साथ दिए गए साउथ एशिया के एविडेंस से जाहिर है ये सपोर्ट डेमोक्रेटिक रिजिम्स में तो है ही, उन देशों में भी जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव का रूल चाहते हैं। वो ये भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी उनके देश के लिए सूटेबल है। अपने लिए एबिलिटी जनरेट करने की, डेमोक्रेसी की एबिलिटी भी डेमोक्रेसी का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप के ऊपर
प्रिफर्ड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर डेमोक्रेसी ने में अच्छी गवर्नमेंट की उम्मीद की जाती है तो उससे डेवलपमेंट की उम्मीद करना क्या सही नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच की सभी डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप के कामकाज की कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने में डेमोक्रेसीज की ये इनएबिलिटी हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है, पर अकेले इसी कारण से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर, कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, दूसरे देशों से कोऑपरेशन और कंट्रीज द्वारा तय की गई इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पर भी डिपेंड करता है। डिक्टेटरशिप वाले लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेमोक्रेसीज वाले लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से पीछे ना रहे। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिफरेंस भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेसी का सिलेक्शन ही बेहतर है, क्योंकि इसके कई पॉजिटिव आउटकम्स हैं। यहां पर एक और कार्टून दिया गया है और लिखा गया है, ये और इसके आगे के तीन पेजेस पर दिए गए कार्टून रिच एंड पुअर लोगों के बीच के अंतर को दिखाता है। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का लाभ सबको बराबर हुआ है? नेशन की वेल्थ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकता है? वर्ल्ड की वेल्थ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश पुअर कंट्री क्या करे? नेक्स्ट एक पॉइंट दिया गया है, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दिए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स बड़े पैशनेट होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का रिश्ता हमारे डीप वैल्यूज से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द आसपास होने वाली बहस यानी कि डिबेट्स को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ी बहस चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। बरसों से डेमोक्रेसी के कई स्टूडेंट ने सावधानी से ऐसे एविडेंस इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन है। यहां दिए गए चार्ट और टेबल्स यानी कार्टून में से कुछ एविडेंस ऐसे ही कुछ दिए गए हैं। टेबल वन, वो बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब देश के रिकॉर्ड का ही उसकी कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंस लगभग खत्म हो जाता है। टेबल टू बताता है कि डेमोक्रेसीज के अंदर भी भारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो सकती है। साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही टोटल नेशनल इनकम के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग नेशनल इनकम के सिर्फ 3% हिस्से पर जीवन गुजारते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि पुअर सेक्शंस के आगे हमेशा अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज बरकरार रहती है। अगर आम आदमी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को आधार मानकर ही डेमोक्रेसीज के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या हो सकता है?